kids, how are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, previously I had explained you revision of science part 1 and 2. And today I am going to explain you revision part 3. So are you ready kids? Let's begin. Today we will learn about answer the following questions in 2-3 sentences. So let's begin. Let's see the first question. What should you do in case a fire starts around you? Kids, अगर आपके आसपास कहीं पर आग लगती है तो आप क्या करोगे? Let's see the answer. Cover the nose and mouth with a wet cloth. आपको गीले कपड़े से अपना nose और mouth cover कर लेना है. Next है, get down to the floor and crawl out of the room. धीरे धीरे करके आपको crawl करते हुए room में से बाहर निकल जाना है. Use a fire extinguisher and water to put out the fire. या तो आप फायर एक्सटिंग्विशर से या तो वाटर से आग को बुझा सकते हो. इफ द फायर इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट और ऑयल, यूज ऑयल की वजह से या तो इलेक्ट्रिकल गैजेट की वजह से आग लगी है तो आपको पानी यूज नहीं करना है, आपको सैंड यूज करनी है और आग बुझानी है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ कैन एक्सीडेंट्स बी अवॉइडेड इन द किचन? किड्स, किचन में हम किस तरह से एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं? Let's see the answer. Accident can be avoided in the kitchen by wearing cotton clothes, keeping petrol and kerosene stored elsewhere and turning off the gas stove and regulator when not in use. आपको क्या करना है कि जब भी किचन में काम कर रहे हो या आपके घर में कोई और भी किचन में काम करता हो तो उन्हें हमेशा कॉटन के ही कपड़े पहनने चाहिए. फिर केरोसिन है, पेट्रोल है, तो उसे आपको किचन में नहीं रखना चाहिए, उसे कहीं और जगह पर स्टोर करके रखना चाहिए. और जब भी आपको गैस स्टोव की ज़रूरत ना हो, वो यूज़ में ना हो, तो आपको उसके रेगुलेटर को ऑफ कर देना चाहिए. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट फर्स्ट एड विल यू गिव इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग एंड फेंटिंग? किड्स, आप कौन से फर्स्ट एड दोगे जब नोज ब्लीडिंग होती है या तो फेंटिंग होती है? तो लेट्स सी. इन नोज ब्लीडिंग, स्टे काम एंड प्रेस द नोज टाइटली विथ फिंगर्स फॉर 5-10 मिनट्स. आपको क्या करना है जब नोज ब्लीडिंग होती हो तो आपको शांति बनाए रखनी है और अपने नोज को 5-10 मिनट तक प्रेस करके रखना है. और इन केस ऑफ फेंटिंग, मेक द पर्सन लाई डाउन एंड कीप द हेड लोअर देन द बॉडी सो दैट एक्स्ट्रा ब्लड कैन रीच द ब्रेन. और जब फेंटिंग, बेहोश हो जाता है कोई, तो आपको वो पर्सन को सुला देना है और इस तरह से वो पर्सन को सुलाना है ताकि जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो ब्रेन तक पहुंच सके. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम फॉर सेफ्टी रूल्स दैट यू मस्ट फॉलो एट होम. कौन से सेफ्टी रूल्स आप घर पे फॉलो करोगे? लेट्स सी द आंसर. 4 सेफ्टी रूल्स एट होम. कीप द फ्लोर ड्राई, डू नॉट लीव टॉयज एंड बुक्स ऑन द फ्लोर. आपको क्या करना है, फ्लोर जो है उसे सूखा रखना है, उसके ऊपर पानी गिरा ना हो उसका ध्यान रखना है. और जो आपके टॉयज है या बुक्स है उसे फ्लोर पर ऐसे ही नहीं रखने हैं. बी केयरफुल ऑन द स्टेयरकेस. और सीढ़ियों के ऊपर आपको ध्यान रखना है. एंड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन द किचन. और किचन में हमेशा कॉटन के ही कपड़े पहनने चाहिए. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ शुड वुलन क्लोथ्स बी स्टोर्ड? किड्स, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उसे हमें किस तरह से स्टोर करना चाहिए? लेट्स सी द आंसर. वुलन क्लोथ्स शुड बी स्टोर्ड बाई पुटिंग नेपथलीन बॉल्स एंड ड्राइड नीम लीव्स इन बिटवीन द फोल्ड्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मॉथ्स एंड सिल्वर फिश. किड्स, जो आपके वुलन के कपड़े होते हैं तो उसके फोल्ड्स के बीच में आपको नेपथेलिन के बॉल्स रखने चाहिए या तो जो नीम के लीव्स होते हैं वो आपको रख देने चाहिए ताकि जो मोथ्स या सिल्वर फिश होती है उससे आपके कपड़े प्रोटेक्ट होंगे. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स? किड्स, हमें अपने कपड़ों का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? लेट्स सी द आंसर. वी कैन टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स बाय वॉशिंग एंड आयरनिंग, मेंडिंग एंड रिपेयरिंग एंड बाय गेटिंग देम ड्राई क्लीन्ड. वी मस्ट स्टोर क्लोथ्स प्रॉपरली टू. हमें अपने कपड़ों को हमेशा धो के आयरन करके और जो भी कपड़े फट गए हैं उसे सी के अच्छे से रखने चाहिए और उसे ड्राई क्लीनिंग भी करवाना चाहिए और उसे अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई क्लोथ शुड बी पुट आउट इन द सन बिफोर स्टोरिंग? ऑल्सो राइट वेज टू मेक कॉटन क्लोथ्स लास्ट लॉन्गर. किड्स, हमें अपने कपड़े स्टोर करने से पहले धूप में क्यों रखने चाहिए और अपने कॉटन के क्लोथ्स लंबे समय तक चले उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? लेट्स सी द आंसर. कॉटन क्लोथ्स शुड बी पुट आउट इन द सन टू रीड देम ऑफ जर्म्स.
हमें अपने कपड़े धूप में इसलिए रखने चाहिए ताकि उसमें कोई भी जर्म्स ना रहे। टू कीप कॉटन क्लोथ्स लास्ट लॉन्गर दे शुड बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर, ड्राइड प्रॉपरली एंड आयरन। और कॉटन के क्लोथ्स अगर आपको लंबे समय तक चलाने हैं तो उसे हमें अच्छे से वॉश करने चाहिए साबुन से एंड पानी से, और उसे अच्छे से सुखाने चाहिए और उसे आयरन भी करने चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरडिपेंडेंट? प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर किस तरह से डिपेंडेड है? लेट सी द आंसर। ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड फूड एंड ऑक्सीजन विच दे गेट फ्रॉम प्लांट्स। ह्यूमंस और एनिमल्स को फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो फूड और ऑक्सीजन हमें प्लांट्स में से मिलता है। एंड प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड विच दे गेट फ्रॉम ह्यूमंस एंड एनिमल्स। और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में से मिलता है। तो इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ फूड चेन? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। किड्स, फूड चेन किसे कहते हैं वो हमें एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करना है। लेट्स सी द आंसर। फूड चेन इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बींग ईटन बाय वेरियस ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरमेंट। फूड चेन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वेरियस ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास इज ईटन बाय अ गॉट एंड द गॉट इज फर्दर ईटन बाय अ टाइगर। एग्जाम्पल दिया है कि जो ग्रास है वो गॉट खाती है, और गॉट को कौन खाता है? टाइगर खाता है। सो ग्रास, गॉट एंड टाइगर फॉर्म अ फूड चेन। तो इसीलिए ग्रास, गॉट और टाइगर के बीच में एक फूड चेन बनी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ? मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में क्या डिफरेंस है? लेट्स सी द आंसर। मिल्क टीथ आर अ टेम्पररी सेट ऑफ 20 टीथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड, वेयर एज परमानेंट टीथ आर अ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ 32 टीथ दैट रिप्लेस द मिल्क टीथ एंड लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम। किड्स, जो टेम्पररी टीथ होते हैं जिसे हम मिल्क टीथ भी कहते हैं वो 20 होते हैं, जो बचपन में आते हैं, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 का सेट होता है। जब मिल्क टीथ गिर जाते हैं तो उसकी जगह पर परमानेंट टीथ आते हैं और वो लाइफ टाइम वही टीथ रहते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ टीथ? गिव वन फंक्शन ऑफ ईच। जो 4 टाइप्स के टीथ होते हैं उसके हमें फंक्शन लिखने हैं। लेट्स सी द आंसर। द 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर इंसिसर्स फॉर कटिंग फूड, कैनाइंस फॉर टेयरिंग फूड, प्रीमोलर्स फॉर क्रैकिंग एंड ग्राइंडिंग फूड, एंड मोलर्स फॉर च्यूइंग फूड। जो इंसिसर्स होते हैं वो फूड को कट करते हैं, जो कैनाइंस होते हैं वो फूड को टियर करते हैं, जो प्रीमोलर्स होते हैं वो फूड को तोड़ते हैं और उसे ग्राइंड करते हैं, एंड मोलर्स है वो फूड को च्यू करने का काम करते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज फ्लोसिंग? व्हाई इज फ्लोसिंग इम्पोर्टेंट? फ्लोसिंग किसे कहते हैं और फ्लोसिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? लेट्स सी द आंसर। फ्लोसिंग इज क्लीनिंग द स्पेसेस इन बिटवीन द टीथ यूजिंग अ पीस ऑफ स्ट्रिंग कॉल्ड डेंटल फ्लोस। किड्स, हमारे दांतों के बीच में जो स्पेस होती है तो उसके अंदर जो खाना फंस जाता है उसे हम एक स्ट्रिंग की मदद से साफ करते हैं, तो उसे डेंटल फ्लोस कहा जाता है। फ्लोसिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू रिमूव फूड दैट वी आर अनएबल टू रिमूव बाय ब्रशिंग टीथ। और फ्लोसिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो खाना हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है उसे हम ब्रश करने से भी निकाल नहीं पाते हैं, तो फ्लोसिंग से हम वो खाना इजीली निकाल सकते हैं, तो इसीलिए फ्लोसिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर टीथ फ्रॉम डीके? किड्स, हम अपने दांतों को सड़ने से कैसे बचा सकते हैं? लेट्स सी द आंसर। वी कैन प्रोटेक्ट आवर टीथ फ्रॉम डीके बाय ब्रशिंग 2 टाइम्स अ डे। दिन में हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। फ्लोसिंग टीथ, ईटिंग द राइट फूड एंड विजिटिंग अ डेंटिस्ट वंस इन 6 मंथ्स। हमें रेगुलरली फ्लोसिंग करना चाहिए, दांतों के बीच में जो खाना फंस गया है उसे निकालना चाहिए, हमें सही खाना खाना चाहिए, शुगरी फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और 6 महीने में हमें डेंटिस्ट के पास ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने दांतों को सड़ने से बचा सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई शुड वी नॉट ईट टू मच ऑफ शुगरी फूड? किड्स, हमें ज़्यादा मीठा खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? लेट्स सी द आंसर। वी शुड नॉट ईट टू मेनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स बिकॉज जर्म्स लव शुगरी फूड एंड कोज मोर डैमेज टू आर टीथ इफ़ वी ईट सच फूड। किड्स, अगर हम ज़्यादा स्वीट्स या तो चॉकलेट्स खाते हैं तो वो जर्म्स को भी बहुत ही पसंद होता है, तो इसीलिए वो हमारे दांतों को और भी डैमेज करते हैं, तो हमें ज़्यादा मीठा खाना नहीं खाना चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन वर्क। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क बीन डन।
किड्स, हमें वर्ब की डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जांपल भी लिखना है. लेट्स सी द आंसर. वर्क इज डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन आफ्टर अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट. किड्स, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो पोजीशन में चेंज आता है, तो उसे वर्क कहा जाता है. एन एग्जांपल ऑफ वर्क बीइंग डन इज पिकिंग अ हैवी रॉक फ्रॉम द रोड एंड थ्रोइंग इट ऑन द साइड. किड्स, उसका एक एग्जांपल है कि आप रास्ते में जा रहे हो और बीच में बड़ा सा पत्थर पड़ा है, तो उसे उठाकर आप साइड में रखते हो, तो इसका मतलब वर्क हुआ है कि रॉक की पोजीशन में चेंज आई, तो इसका मतलब क्या है कि वर्क हुआ है. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज राइट एक्सपेरिमेंट. हमें एक एक्सपेरिमेंट लिखना है. लेट सी एम. टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है या नहीं वो हमें चेक करना है. कौन से मटेरियल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी? तो एक लीफ चाहिए, वाटर, अल्कोहल, डिश, बीकर एंड आयोडीन. मेथड क्या है? टेक अ लीफ ऑफ प्लांट. हमें एक प्लांट का लीफ लेना है. बॉइल द लीफ फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल. सबसे पहले हमें वो लीफ को वाटर में बॉइल करना है, उसके बाद उसे अल्कोहल में बॉइल करना है. बॉइल द लीफ थ्रूली एंड वॉश इट अंडर कोल्ड वाटर. हमें वो लीफ को पूरा बॉईल करना है और उसके बाद उसे कोल्ड वाटर में वॉश करना है. नेक्स्ट है, टेक द लीफ इन अ डिश एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन इट. फिर वो लीफ को हमें एक डिश में रखना है और उसके ऊपर थोड़े आयोडीन के ड्रॉप्स डालने हैं. नाउ हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा? वी ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द लीफ विल चेंज इनटू ब्लू और ब्लैक कलर. तो जो लीफ का कलर है वो ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो उसका हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा? दिस शो दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन लीव्स. तो इससे हमें पता चलता है कि लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है. किड्स, मैंने आपको ब्रेड स्लाइस या पोटेटो स्लाइस का एक एग्जांपल दिया था क्वेश्चन आंसर्स में, आपको याद है ना? तो उसमें भी जो ब्रेड की स्लाइस है और जो पोटेटो स्लाइस है वो भी ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट होती है. तो वो क्यों होती है? क्योंकि ब्रेड और पोटेटो स्लाइस में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है. तो इस तरह से लीव्स के अंदर भी स्टार्च प्रेजेंट है, तो लीव जो है वो ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि लीव के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है. तो किड्स, यहाँ पर हमारे रिविजन का पार्ट 3 कम्प्लीट हो गया है. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.